हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं आरपीएन शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया था एमसीक्यूज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के, तो हमने 26 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। आज हम देखेंगे 27th के आगे। तो 27th एमसीक्यू है, टाइम इन प्रोग्रेस चार्ट आर आल्सो नोन एज। टाइम और प्रोग्रेस का जो चार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब जो टाइम और उसकी जो वर्क है उसकी प्रोग्रेस हमें बताए, उस चार्ट को क्या कहते हैं। फर्स्ट है बार चार्ट। बार चार्ट की हम बात करें तो इस तरीके से शो करते थे हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे वर्क, जॉब और एक्टिविटी, ठीक है, ए बी सी डी जो भी है। ऐसे ही हमारे पास माइलस्टोन चार्ट में भी आ जाता है। तो यहाँ पे टाइम और इसकी प्रोग्रेस जो है एक्टिविटी की, कितनी एक्टिविटी हमारे पास कंप्लीट हुई कितनी नहीं हुई, वो हमें पता चल जाता है बार चार्ट से भी, माइलस्टोन चार्ट से भी। और बात करें क्रिटिकल पाथ मेथड की, तो मान लेते हैं ये इवेंट वन है, ये एक्टिविटी है, ये इवेंट टू है, ये इवेंट थ्री है। मान लेते हैं यहाँ पे 5 दिन लग रहे हैं, यहाँ पे 6 दिन लग रहे हैं, तो टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 11 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई तो हमें पता चल जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग, हमें प्रोग्रेस पता चल जाएगी कि कितनी जो वर्क है कितना कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन तीनों मेथड से पता चल जाता है कि टाइम के साथ कितनी प्रोग्रेस हुई वर्क की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट है उसे हम बार चार्ट भी कह सकते हैं, माइलस्टोन चार्ट भी कह सकते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड चार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क टू, फर्स्ट स्टेज बतानी है लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की या फिर लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क की, बहुत बड़ा वर्क है उसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, ठीक है। तो हम बात करें सबसे पहले उसमें होता है कंसेप्शन फेज। कंसेप्शन मींस कंसेप्ट, सबसे पहले तो कंसेप्ट दिमाग में आता है किसी के कि मेरे को इस तरीके का काम करना है, ठीक है। कंसेप्ट आने के बाद वो क्या करता है, उसका डिजाइन प्रिपेयर करता है, ठीक है, जो उसने दिमाग में सोचा होता है उसको डिजाइन प्रिपेयर करके उसके मैप्स वगैरह बना देता है, ड्राइंग्स उसकी बना देता है। वो बनने के बाद फिर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी को दिया जाता है, ठीक है, बिडिंग करके कॉन्ट्रैक्ट, उस काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी को दिया जाता है। और उसके बाद उसकी जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला वो उसकी स्टडी करता है और उसको इवाल्युएट करता है, ठीक है, स्टडी एंड इवाल्युएशन, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है वो है कंसेप्शन, ठीक है। कंसेप्शन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, द फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज डैश डैश ऑफ अर्ली स्टार्ट टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास होता है एक अर्ली फिनिश टाइम, ठीक है। अर्ली फिनिश टाइम का फॉर्मूला हमारे पास होता है अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास लेटेस्ट फिनिश टाइम, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो फिनिश टाइम है वो क्या होता है, फिनिश टाइम इक्वल टू स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे दोनों में स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, ठीक है। तो फिनिश टाइम क्या होता है, स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। स्टार्ट टाइम मींस यानी कि यहां पे दिया है अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम एंड ड्यूरेशन, ठीक है। और क्या है इसमें यूज होता है, प्लस और माइनस, प्लस यूज होता है, प्लस यानी सम यूज होता है। तो सम किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
द बार चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, बार चार्ट को हम और क्या कहते हैं, बार चार्ट को हम कहते हैं गैंट चार्ट भी कहते हैं इसको, GANTT गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बार चार्ट का, ये दिया था हेनरी गैंट ने, हेनरी गैंट ने इन 1900 AD में, ठीक है। तो इसलिए बार चार्ट को हम गैंट चार्ट भी बोलते हैं। तो गैंट चार्ट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जो मेन फंक्शन है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, मतलब कंस्ट्रक्शन को हमने मैनेज करना है, तो उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, उसमें कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, वो क्या है, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन आते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, वो मोस्टली 5 फंक्शंस हमारे पास आते हैं, ठीक है, 5 मेन फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान जैसे किया होता है उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तीसरा है स्टाफिंग, स्टाफिंग होता है स्टाफ को रिक्रूट करना, स्टाफ की ट्रेनिंग करना, वो सारा स्टाफिंग में आ जाता है। चौथा डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्ट करना कि आपको क्या क्या काम करना है। और फिफ्थ आ जाता है कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग के बाद हम उनको कंट्रोल करते हैं कि एक्चुअल में वो वर्क जो है अकॉर्डिंग टू प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको हमें कंट्रोल भी करना होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, 5 फंक्शंस है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। तो इनमें से आप देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है, प्लानिंग हमारे पास दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग हमारे पास दिया है, और डायरेक्टिंग हमारे पास दिया है, मतलब तीनों यहां पे आ रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फ्लोट आर स्लैक ऑफ एन एक्टिविटी इज पॉजिटिव, यहां पे हमारे पास स्लैक क्या है, पॉजिटिव स्लैक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं स्लैक क्या होता है। सबसे पहले तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये बात की कि स्लैक क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम एक एक्टिविटी के पास कितना है कि हम उसको अगर डिले भी करें तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है उसको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो स्लैक हमारे पास 3 टाइप का होता है, एक स्लैक होता है पॉजिटिव, एक स्लैक होता है 0, एक स्लैक होता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव स्लैक का मतलब हो गया कि हमारे पास जो काम है वो शेड्यूल के आगे चल रहा है, ठीक है, वो शेड्यूल के आगे चल रहा है, यानी एहेड ऑफ शेड्यूल, जो काम है शेड्यूल के ज्यादा चल रहा है। मतलब मान लो अगर 5 दिन में कोई काम होना था तो वो 5 दिन से पहले ही हो गया, ठीक है। और स्लैक 0 का मतलब होता है ऑन शेड्यूल, काम जो है ऑन शेड्यूल है, जितना टाइम अलॉट किया था उतने टाइम में ही खत्म होगा। नेगेटिव स्लैक का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट है वो है बिहाइंड द शेड्यूल, बिहाइंड द शेड्यूल का मतलब हो गया जितना टाइम हमने दिया था उससे ज्यादा टाइम उसमें लग रहा है, ठीक है, वो हो गया नेगेटिव स्लैक। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इट रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन वेयर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज नॉट डिलेड, ठीक है। तो जहां पे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अवेलेबल है और प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है पॉजिटिव स्लैक, ठीक है। दूसरा है इट रिप्रेजेंट्स दैट द प्रोग्राम फॉल्स बिहाइंड द शेड्यूल, बिहाइंड द शेड्यूल मतलब बिहाइंड द शेड्यूल कौन सा है, नेगेटिव स्लैक। फिर तीसरा है द एक्टिविटी इज क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये जो है यहां पे एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी भी होगी, ठीक है, ऑन शेड्यूल मतलब एक्टिविटी क्रिटिकल होगी, तो ये होगा 0 स्लैक, स्लैक इक्वल टू 0, यहां पे नेगेटिव स्लैक, यहां पे स्लैक इक्वल टू पॉजिटिव। तो पूछा हमसे कौन सा है, पॉजिटिव स्लैक, पॉजिटिव स्लैक कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीपीएम रिक्वायर्स, ठीक है। तो
यहां पे मैं बात करूं, एक हमारे पास सीपीएम होता है, एक पर्ट होता है, ठीक है। पर्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें सीपीएम में, तो सीपीएम में सिंगल टाइम एस्टिमेट करते हैं हम, और सीपीएम में सॉरी पार्ट में ट्रिपल टाइम एस्टिमेट, ट्रिपल टाइम एस्टिमेट, ठीक है। सो सीपीएम की बात करें, सिंगल टाइम एस्टिमेट कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। ये आ गया सीपीएम के लिए, और ट्रिपल टाइम के लिए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसोर्सेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर मेड अप ऑफ, जो रिसोर्सेस होते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वो कौन कौन से रिसोर्सेस हम यूज करते हैं। देखो अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो वहां पे हमारे पास प्लांट्स हो सकते हैं एंड मशीनरी हो सकती है, ये मेन रिसोर्स है, ठीक है। दूसरा रिसोर्स हमारे पास मटेरियल्स हो सकते हैं। तीसरा जो मेन रिसोर्सेस है वो है मैन पावर, ठीक है। तो एक बार हम ऑप्शंस को देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट हमने करना है तो प्लांट्स और मशीनरी तो हमें चाहिए ही होती है। देन दूसरा मटेरियल्स, दैट मीन जैसे कि सीमेंट आ गया, ब्रिक आ गया, स्टील आ गया, वो भी हमें चाहिए होता है। देन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर, वो भी हमें चाहिए होती है। तो मतलब हमारे पास तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है, ए गैंट चार्ट इंडिकेट्स, गैंट चार्ट क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। गैंट चार्ट को हम बार चार्ट भी बोलते हैं, तो ये मैं यहां पे बना भी देता हूं, पहले भी हमने बनाया हुआ, यहां पे भी बना देता हूं। यहां पे टाइम है, टाइम इन डेज, और यहां पे हमारे पास है जॉब आर एक्टिविटी आर, हम इसको टास्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक काम आ गया, ये दूसरा काम आ गया, ये तीसरा काम आ गया, ठीक है, ये टाइम आ गया, वन टू थ्री फोर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, बैलेंस ऑफ वर्क टू बी डन, बैलेंस ऑफ वर्क टू बी डन, बैलेंस ऑफ वर्क मतलब आप देखो बैलेंस जो है वर्क का वो तो नहीं इसमें होता, एफिशिएंसी ऑफ प्रोजेक्ट वर्क की कितनी एफिशिएंसी है वो भी यहां पे डिपिक्ट नहीं होती। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस विद द शेड्यूल प्रोग्रेस, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो शेड्यूल प्रोग्रेस से, जो शेड्यूल प्रोग्रेस हमने की होती है उससे हम मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल प्रोग्रेस होगी जो एक्चुअल में साइट पे काम चल रहा है, और शेड्यूल प्रोग्रेस होगी जो हमने प्लान किया था, ठीक है, कि ये काम इतने टाइम में होना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा। मान लेते हैं ये ए एक्टिविटी है, ये स्टार्ट होगी 0 से 2 तक, तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि अगर 2 दिन में ये एक्टिविटी खत्म हुई, ठीक है, या नहीं हुई, हमें पता चल जाएगा, हम कंपेयर कर सकते हैं। और थर्ड है प्रोग्रेस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये भी हम नहीं पता कर सकते इससे, तो हम इससे पता कर सकते हैं मेन जो ऑप्शन सी है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस विद द शेड्यूल प्रोग्रेस, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, किसके रिलेटेड, नेटवर्क डायग्राम के रिलेटेड, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम में हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ये इवेंट है, ये एक्टिविटी है, ठीक है। और नेटवर्क डायग्राम की बात करें तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे कि इसको नंबर ए 1 2 3 दिया इवेंट को, और एक्टिविटीज को नंबर दिया ए और बी, ठीक है। और जो इवेंट है वो उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं या फिर नोड से डिनोट करते हैं, और एक्टिविटी को हम एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें, जो एरो का हेड रहता है, एरो का हेड होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंड ऑफ द एक्टिविटी, और एरो का जो टेल रहता है वो रहता है स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, ठीक
ठीक है, तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो है द इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय सर्कल्स आर नोड्स, ठीक है, ये सर्कल आर नोड से हम इवेंट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये क्या है, इवेंट है, और ये क्या है, एक्टिविटी, एरो क्या है, एक्टिविटी। दूसरा क्या कह रहा है ऑप्शन, द टेल एंड ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, टेल जो है इसकी जो दुम है वो स्टार्ट को शो कर रही है, और जो हेड है वो किसको डिनोट कर रहा है, एंड ऑफ द एक्टिविटी को, ठीक है। सो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पोर्शन का वो है द टाइम इन विच एन एक्टिविटी विल टेक टू कंप्लीट इन केस ऑफ डिफिकल्टी इज कॉल्ड, डिफिकल्टी के केस में हमारे पास जो टाइम है एक्टिविटी को कंप्लीट होने का वो कौन सा टाइम है, ठीक है। तीन टाइम की हमने बात की थी, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस अभी बचे हुए, मतलब ये जो रहता है मिनिमम टाइम रहता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली टाइम जो रहता है एवरेज टाइम रहता है, और पेसिमिस्टिक टाइम रहता है लॉन्गेस्ट टाइम और लार्जेस्ट टाइम, ठीक है। तो यहां पे हम बात करें डिफिकल्टी के केस में, तो डिफिकल्टी के केस अगर बहुत सारी डिफिकल्टी हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो उसको हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेसिमिस्टिक टाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन की हमने पहले बात की थी कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो अथॉरिटी जो फ्लो करती है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, टॉप टू बॉटम फ्लो करती है अथॉरिटी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें वो बॉटम टू टॉप फ्लो करती है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर पर्सन की होगी, लोअर रैंक वाले पर्सन की होगी वो कम होगी, और जो टॉप रैंक का पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम, इन अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन इज स्ट्रांग, इसमें डिसिप्लिन स्ट्रांग रहता है क्योंकि ये टॉप टू बॉटम चलता है, और जो टॉप पे जो ऑफिसर रहता है उसका फुल कंट्रोल रहता है पूरे बॉटम के मेंबर पे, ठीक है। ये डिसिप्लिन इसमें स्ट्रांग रहता है, क्विक डिसीजन आर टेकन, क्योंकि ये मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिसीजन क्विकली लिए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज फिक्स्ड, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें फिक्स होती है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और बॉटम वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद हमें इसमें पता चल जाता है कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आप सबके लिए असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये आप घर पे प्रैक्टिस करें, आपको अगर आंसर आते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में इसके आंसर्स लिखें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।